हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाया था, जो कि सुपर हीटर और री हीटर के ऊपर था, वो देख लिया होगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसी के रिलेटेड है। इसलिए अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा तो प्लीज जाके उसे चेकआउट जरूर कर लेना। मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा मेथड्स ऑफ सुपर हीटेड टेम्परेचर कंट्रोल, यानी कि सुपर हीटर में हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। कहाँ पे? डी सुपर हीटर के अंदर, है ना? ये हमने प्रीवियसली देख लिया था। तो आज कुछ मेथड्स पढ़ेंगे हम लोग, जिससे हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं सुपर हीटर के अंदर। तो आइए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। चलिए, तो मेथड्स ऑफ सुपर हीटर यानी सुपर हीट टेम्परेचर कंट्रोल की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें एनर्जी यहाँ पे कंजर्व करनी है, बचानी है और फुल एफिशिएंसी से हमको काम करना है। तो प्रॉपर और एफिशिएंट तरीके से काम हो सके पावर प्लांट के अंदर, इसीलिए सुपर हीटर के अंदर जो हमारा पावर जा रहा है या फिर टेम्परेचर जो जा रही है, स्टीम का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कंट्रोल में होना चाहिए। क्यों? अगर मान लो कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है किसी भी कारणों से, तो उसके क्या होगा, ओवर हीट हो जाएगा सुपर हीटर या फिर री हीटर या फिर टर्बाइन ब्लेड, जिसके कारण क्या हो सकता है, सिस्टम को नुकसान हो सकता है। तो जो यहाँ पे हीट रेट होता है ना, हीट रेट, उसको हमें क्या करना पड़ता है, हीट रेट को हमें कंट्रोल करना पड़ता है और टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करना पड़ता है। ठीक है, तो जो हीट रेट की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो देखिए हीट रेट का एक इक्वेशन है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो हीट रेट का इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हीट रेट, जिसको मैं HR से डिनोट करूंगा, जिसका इक्वेशन होगा वर्क आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय 3600 डिवाइडेड बाय इस एफिशिएंसी, बॉयलर की एफिशिएंसी, ठीक है यहाँ पे। और इसका यूनिट क्या आएगा, किलो जूल पर किलो वॉट आवर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है तो हमें काफी नुकसान हो सकता है, इसीलिए हमें कुछ मेथड्स अपनानी पड़ी ताकि सुपर हीटर पे के बाद हम लोग क्या कर सके, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। और वो टेम्परेचर कंट्रोल कहाँ होता है, डी सुपर हीटर में। तो कुछ मेथड्स हैं, एक एक करके यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए मेथड लिस्ट आउट करूंगा और हम लोग एक एक करके उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली जो मेथड है आपकी, वो है आप लोगों की कंट्रोल ऑफ गैस सर्कुलेशन बाय डैम्पर्स। ओके, कंट्रोल ऑफ गैस सर्कुलेशन बाय डैम्पर्स। इसके अंदर क्या होता है, देखो एक तो सिंपल सी बात है कि गैस का जो सर्कुलेशन है, गैस का जो मास है वो ज्यादा है, तो उसका फ्लो रेट भी ज्यादा होगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा फ्लो रेट जो है उसको रिड्यूस करना है। कहां पे रिड्यूस करेंगे हम लोग, कन्वेक्टिव सुपर हीटर के अंदर, है ना? और कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, जहां पे आपका गैस फ्लो हो रहा है, जहां से जिस पाथ से आपका गैस फ्लो हो रहा है, उस पाथ पे हम लोग क्या करेंगे, डैम्पर रखेंगे। तो वो डैम्पर रखने से क्या होगा, एक तो कन्वेक्टिव सुपर हीटर पे जो गैस पास हो रही है उसको एक बाईपास थोड़ा सा रास्ता मिल जाएगा, और स्टीम जो है, जो कि उस गैस फ्लू गैसेस से कम हो, जो कि गर्म हो रही थी, वो थोड़ी कम गर्म होगी कंपेरेटिवली। ठीक है, तो हम लोग एक तो गैस सर्कुलेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द डैम्पर। इसका मैंने आप लोगों को जगह भी बता दी कहाँ रखना चाहिए। तो कन्वेक्टिव सुपर हीटर के अंदर हमें स्टीम के कांस्टेंट फ्लो को कम करने के लिए क्या हमें क्या करना चाहिए, डैम्पर लगाना चाहिए। दूसरी मेथड, सेकंड मेथड क्या है, कंबाइंड रेडिएंट कन्वेक्टिव सुपर हीटर्स इन अ सीरीज, यानी कि क्या
जैसा कि मैंने जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जो हमारा रेडियंट और कन्वेक्टिव सुपर हीटर था, उसको हम लोग सीरीज में रखेंगे, ताकि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारी स्टीम जो है वो क्या हो सके, गर्म हो सके, और उस कांस्टेंट स्टीम सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर से अबव यानी कि ऊपर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड मेथड है हमारी डी सुपर हीटिंग और अटेम्परेशन। देखो, अटेम्परेशन का मतलब क्या होता है, अटेम्परेशन का मतलब होता है कि सुपर हीटेड स्टीम के अंदर टेम्परेचर का रिडक्शन करना, इसको हम लोग डी सुपर हीटिंग भी बोलते हैं। अटेम्परेशन को हम लोग डी सुपर हीटिंग भी बोलते हैं। तो अटेम्परेशन कैसे अचीव किया जाता है, तो अटेम्परेशन अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर के स्प्रे को हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। कहां पे, तो सुपर हीटर और जो हमारी स्टीम पाइप है वहां पे, उसके बीच में, उस पाइप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वाटर स्प्रे इंजेक्ट करते हैं, और उस वाटर के कारण टेम्परेचर जो है वो सुपर हीटर में कंट्रोल किया जाता है। और दूसरी जो यहाँ पे टेक्निक है डी सुपर हीटिंग, तो वही सेम चीज है, अटेम्परेशन और डी सुपर हीटिंग, है ना। तो ये बहुत सी सिंपल टेक्निक है। क्या करना है हमें, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा, हमें वाटर पानी को जो है नोजल के थ्रू हमें क्या करना है, इंजेक्ट करना है कन्वेक्टिव सुपर हीटर के अंदर। किस किस के बीच में होगा, या तो आप कन्वेक्टिव सुपर हीटर और स्टीम पाइप के बीच में रख दे, या फिर दूसरा तरीका भी है इसमें। दूसरा तरीका क्या है, इकोनोमाइजर और सुपर हीटर के बीच में भी आप इसे रख सकते हैं। ठीक, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारी सुपर हीटर जो स्टीम है, सुपर हीटेड स्टीम है, उसका टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा गैस रिसर्कुलेशन मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्नेस टेम्परेचर कंट्रोल मेथड। अच्छा, ये मेथड कहाँ यूज होती है, ये मेथड स्पेशली वहां यूज होती है जिस पावर प्लांट का लोड कम हो, अदरवाइज इसे हम लोग यूज नहीं करते, है ना। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो इकोनोमाइजर में जो पार्ट गैस का जो पार्ट हमारा लीव कर रहा है, छोड़ रहा है उसे, तो उसी जो इकोनोमाइजर के बाद की बची हुई गैस है उसे हम लोग क्या करते हैं, रिसर्कुलेट करते हैं फर्नेस के अंदर, ताकि क्या कर सके, एक तो फ्यूल बचा सके, और प्लस जो हमारा एक्स्ट्रा जो हमारा लॉस हो जाता किसका, गैस का, उसको भी हम लोग रिडक्शन कर सके। तो इसी को बोलते हैं हम लोग गैस रिसर्कुलेशन मेथड, या फिर फर्नेस टेम्परेचर कंट्रोल मेथड। ठीक, तो सिंपल सा, ये कहाँ आपको यूज करना है, जिस पावर प्लांट का लोड कम हो वहां पे ही आप लोग इसे यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारी सेपरेटली फायर्ड सुपर हीटर, है ना, सेपरेटली फायर्ड सुपर हीटर। तो फ्लू गैसेस को सीधा डायरेक्टली बॉयलर के अंदर यूज करना, और उसको यूज करके स्टीम को सुपर हीट करना, उसको ना यूज करते हुए हम लोग सेपरेटली जो फायर्ड फर्नेस होती है, कहाँ पे यूज होती है, जहां पे बड़ा पावर प्लांट हो, है ना, तो हम लोग वहां पे उस फ्लू गैस को हम लोग यूज कर सकते हैं। ये मेथड जो है वो हाई डिग्री की जो टेम्परेचर स्टीम होती है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। ये चीज याद रखना, सेपरेटली फायर्ड सुपर हीटर में जो टेक्निक यूज हो रही है, मेथड यूज हो रही है, कहाँ पे यूज हो रही है, जहां पे आपका टेम्परेचर कंट्रोल ज्यादा हो, मतलब कि हायर डिग्री जहां पे हो वहां पे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ये यूज करते हैं हम लोग। ठीक, ये जो मेथड है सेपरेटली फायर सुपर हीटर वाली मेथड, इसको हम लोग बहुत रेयरली यूज करते हैं। रेयरली यूज करते हैं क्यों, क्योंकि क्या है, सबसे पहली बात तो ये इकोनॉमिकली बहुत ही खर्ची है, खर्चे वाली है, मतलब कि सेपरेटली फायर्ड है, समझ लीजिए सेपरेटली फायर्ड में आपको अलग से बॉयलर चाहिए, अलग से उसका पाइपिंग करना पड़ेगा, अलग से आपको फ्लू गैसेस को रिसर्कुलेट करना पड़ेगा, है ना, तो ये थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है, इकोनॉमिकली अच्छी नहीं है ये।
इसीलिए सेपरेटली फायर सुपर हीटर को हम लोग कम यूज करते हैं, लेकिन मेथड है इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसे पढ़ रहे हैं। चल नेक्स्ट है एक्सेस एयर। एक्सेस एयर यानी कि ज्यादा, मतलब एक्सेस मतलब ज्यादा, एयर मतलब कि हवा। तो क्या करते हैं, कंबंशन चैम्बर के अंदर हम लोग एक्सेस एयर को क्या करते हैं, देते हैं, ज्यादा हवा उसे देते हैं ताकि फर्नेस का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो सके। क्यों? देखो आपको पता ही है सबको, ये रेडिएंट हीट जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है डिफरेंस बिटवीन दी फर्नेस टेम्परेचर एंड वाटर टेम्परेचर, वाटर वॉल टेम्परेचर है ना, उसकी फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका रेडिएंट हीट है, मैं यहाँ पे आपको लोगों के लिए लिख देता हूँ, रेडिएंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्थ पावर ऑफ फर्नेस टेम्परेचर एंड वाटर वॉल टेम्परेचर, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो लोअर रेडिएंट हीट अगर हमारी एब्जॉर्ब हो रही है बाय दी वाटर वॉल, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वाटर वॉल का टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। लेकिन हीट अगर कम होती है तो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ता है, ये चीज ध्यान रखना। हाउएवर इंक्रीज मास फ्लो रेट ऑफ गैसेस ड्यू टू द एक्सेस एयर विल कॉज द हाई हीट इंजेक्शन इनटू द चिमनी। इसीलिए लोअर बॉयलर एफिशिएंसी के वक्त हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस एयर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें एफिशिएंसी तो पहले से ही कैलकुलेट कर रखी होती है, तो उसके कारण उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग एक्सेस एयर का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट मेथड है टिल्टिंग बर्नर्स। ओके, टिल्टिंग बर्नर्स का मतलब क्या है, टिल्ट मतलब कि उसे टेढ़ा करना है ना, ये आप सभी को होता है, टिल्ट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे टिल्टिंग बर्नर नाम ही सजेस्ट कर रहा है, बर्नर को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं डाउनवर्ड नीचे की तरफ है ना, इन अ फर्नेस, फर्नेस के अंदर। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ज्यादातर हीट जो है वो वाटर वॉल पानी के, पानी में एब्जॉर्ब हो जा रही है, और पानी में एब्जॉर्ब हो जा रही है इसीलिए जो सुपर हीटर के अंदर जो गैस एंटर हो रही है वो रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर के साथ हो रही है। सिंपल, टिल्टिंग बर्नर करके हम लोग क्या करते हैं, फर्नेस के अंदर हम उसे टिल्ट करते हैं ताकि जो एक्सेस हीट है, ज्यादा हीट जो है वो वाटर वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जा रही है, और उसके कारण जो सुपर हीटर के अंदर स्टीम एंटर कर रही है, गैस एंटर कर रही है, वो थोड़ी सी लोअर टेम्परेचर की होती है। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सुपर हीटर के अंदर की जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है टर्निंग द बर्नर्स। ओके, टर्निंग द बर्नर्स इसका मतलब क्या, देखो मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट की जो फर्नेसेस होती है वो डिपेंड करती है कि पावर प्लांट पे लोड कितना है, और पावर प्लांट पे लोड के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, टेम्परेचर का, सॉरी स्टीम का जो टेम्परेचर है उसे कंट्रोल किया जाता है, और बर्नर को हम लोग उसी अकॉर्डिंग ऑन या ऑफ करते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर से कहता हूँ, मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट की जो फर्नेसेस होती है वो डिपेंड करती है कि आपका पावर प्लांट पे लोड कितना है ना, और उस लोड के अकॉर्डिंग ही फर्नेसिस में स्टीम का टेम्परेचर डिसाइड किया जाता है, और जिस हिसाब से स्टीम का टेम्परेचर होता है उस अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, बर्नर को ऑन या ऑफ करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि मान लो कि लोड बढ़ गया, लोड बढ़ गया तो हमें क्या करें, हमें क्या चाहिए, पावर प्लांट से पावर ज्यादा जनरेट करनी है, पावर ज्यादा जनरेट करनी है तो पानी का जो बाष्पीभवन हो रहा है वो ज्यादा होना चाहिए। सिंपल, तो हमें पावर प्लांट का जो सॉरी बर्नर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा तो स्टीम का टेम्परेचर भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ज्यादा स्टीम चाहिए, ज्यादा गर्म स्टीम चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बर्नर को, अपर बर्नर जो है उसे हम लोग क्या करेंगे, जलाएंगे ज्यादा, लेकिन उसके जो लोअर बर्नर है, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है
उसको हम लोग क्या करेंगे, कम रखेंगे, ताकि जो ज्यादा गर्म वाली स्टीम है जो जल्दी पावर प्लांट तक पहुंच सकती है वो क्या होगी, अपर में ही होती है, तो ऊपर से सीधे डायरेक्टली उसे मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू पावर प्लांट, अकॉर्डिंग टू लोड, पावर प्लांट में जो बर्नर है उसे ऑन या ऑफ किया जाता है रिस्पेक्टिवली, जिस अकॉर्डिंग लोड हो उसके अकॉर्डिंग। इसलिए इस मेथड का नाम दिया गया टर्निंग द बर्नर्स, टर्निंग ऑन या ऑफ द बर्नर्स, है ना। तो अकॉर्डिंग टू लोड हम लोग बर्नर को ऑन या ऑफ करके सुपर हीटर का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 8 मेथड्स जो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अभी इसके बाद का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा इकोनोमाइजर का, जो कि हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। इकोनोमाइजर के साथ साथ हम लोग कवर करेंगे एयर प्री हीटर, जिसके अंदर हम लोग उसके टाइप्स भी देखेंगे, है ना। और उसके बाद हमारा आगे का जो टॉपिक है वो ऑनवर्ड्स रहेगा, ठीक है। तो लेक्चर यहाँ पे हम लोग आज फिनिश कर देते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।